ग्रेनेविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया स्वयं सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन दो प्रकार के होते हैं, दृश्य संशोधन साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। अदृश्य संशोधन न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या से विधान द्वारा। अदृश्य संशोधन इसमें औपचारिक रूप से संविधान में संशोधन किए बिना संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन आ जाता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या में परिवर्तन, जैसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ई विधान द्वारा, नागरिकता अधिनियम 1955। दृश्य संशोधन संविधान में औपचारिक रूप से दृश्य परिवर्तन होते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं, एक संसद के साधारण बहुमत से। इस प्रक्रिया का प्रयोग उन उपबंधों को संशोधित करने के लिए किया जाता है जिनका विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है। इस प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इन उपबंधों में शामिल है नए राज्यों का गठन या प्रवेश, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, संसद में गणपूर्ति प्रक्रिया नियम, संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, राजभाषा का प्रयोग, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, पहली चौथी पांचवी व छठी अनुसूची में बदलाव, केंद्र शासित प्रदेश, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत द्वारा। दो, विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। इसमें शामिल उपबंध 1 मूल अधिकार, 2 नीति निदेशक तत्व, 3 वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है, 3 संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति, संविधान के वे उपबंध जिनका संबंध संघीय ढांचे से है का संशोधन इस व्यवस्था द्वारा किया जाता है। राज्यों के लिए स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं है। इसके तहत संशोधित होने वाले उपबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्ति, केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सातवीं अनुसूची, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया। नोट 1, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। 2, विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन नहीं। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो राज्य विधानमंडलों के पास अनुमोदन साधारण बहुमत के लिए भेजा जाता है, आधे राज्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानसभाओं की संस्तुति के बाद जब आवश्यक हो तो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे न तो अपने पास रख सकते, नहीं पुनर्विचार के लिए भेज सकते। 24वें संशोधन के तहत व्यवस्था, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर एक विधेयक अधिनियम बन जाता है तथा इसे संविधान में समाहित कर लिया जाता है। इस प्रकार भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान आसान है, न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठिन, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय नहीं है, राज्यों की भूमिका कम है, राज्यों के अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर सुझाने का रास्ता नहीं है, अधिकांशतः प्रक्रिया आसान है, संविधान का मूल ढांचा, विधायिका के अनुच्छेद -368 के तहत संविधान संशोधन शक्ति एवं न्यायपालिका की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के बीच टकराव के फलस्वरूप केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शंकरी प्रसादवाद 1951।
प्रथम संविधान संशोधन द्वारा की गई मूल अधिकारों की कटौती संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु 368 के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। गोलकनाथवाद 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि विधायिका संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, हालांकि इससे पूर्व के संशोधनों को वैध बनाए रखा। 24वां संविधान संशोधन 1971। विधायिका ने अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद -368 में संशोधन कर व्यवस्था की संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध मानते हुए निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद -368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन से संविधान का मूल ढांचा आहत नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल ढांचा कोई तथ्य नहीं बल्कि अवधारणा है जिसकी न्यायालय द्वारा समय समय पर व्याख्या की जाएगी। इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975। न्यायालय द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की। न्यायालय द्वारा 39वें संविधान संशोधन के उस भाग को जिसमें प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय के अनुसार इससे संविधान का मूल ढांचा आहत होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत अनुच्छेद -368 को संशोधित कर प्रावधान किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं तथा किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। मिनर्वा मिल्सवाद 1980। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के उपरोक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का हनन करता है जो कि संविधान के मूल ढांचे का भाग है। वामन रावाद 1981। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद के फैसले की दिनांक 24 अप्रैल 1973 के बाद के संविधान संशोधनों पर लागू होगा। तारांकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित संविधान के मूल ढांचे के तत्व। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. भारतीय राज्य की लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक प्रकृति। 3. संविधान का चर्मनिरपेक्ष चरित्र। 4. विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथककरण। 5. संविधान का संघीय स्वरूप। 6. राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। 7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 8. संसदीय प्रणाली। 9. कानून का शासना। 10. सामाजिक आर्थिक न्याय कल्याणकारी राज्य। 11. न्यायिक समीक्षा। 12. वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। 13. मूल अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों में समन्वय। 14. समत्व का सिद्धांत। 15. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 16. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। 17. न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। 18. मूल अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत। 19. अनुच्छेद 32, 136, 141 व 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की प्राप्त शक्ति। 20. अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भारतीय राजनीति। परिचय। विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है।
मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973 में प्रतिपादित किया था। महत्वपूर्ण संशोधन। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। संशोधन। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 का और 31 ख जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। ये थे लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। प्रतिबंधों को और तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार ये न्यायोज्य बना दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। 4वां संशोधन अधिनियम 1955। संशोधन। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर किया गया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया या प्राधिकृत किया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गए। अनुच्छेद 31। कानूनों का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। 7वां संशोधन 1956। कारण। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। संशोधन। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था प्रावधान की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 9वां संशोधन अधिनियम 1960। कारण। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। इस समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती। अतः किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। संशोधन। पश्चिम बंगाल में स्थित बेरुबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961। संशोधन। दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961। संशोधन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संशोधन अधिनियम। संशोधन। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962। संशोधन। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। 14वां संशोधन अधिनियम 1962। संशोधन। पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 17वां संशोधन अधिनियम 1964। संशोधन। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई, जोड़ा गया।
18वां संशोधन अधिनियम 1966 संशोधन। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है या इसमें निहित है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक दो नए राज्य बनाए गए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 संविधान। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 संशोधन। संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 संशोधन। संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 1931 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 संशोधन। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिविपस की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। 31वां संशोधन अधिनियम 1972 कारण। वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। संशोधन। लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 33वां संशोधन अधिनियम 1974 संशोधन। अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। 35वां संशोधन अधिनियम 1975 संशोधन। सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गईं। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 संशोधन। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वादयोग्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियां दी गई। 39वां संशोधन अधिनियम 1975 कारण। यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायणा की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। संशोधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 संशोधन। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन नए शब्दों को जोड़ा गया। एक नए भाग इवकप में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। भाग जाइव का जोड़ा गया। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया।
संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। एससी और एचसी के न्यायिक समीक्षा तथा रिटप्रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, ये हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार शक्तियां दी गई। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेजा गया। ये है शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। प्रस्तावित दंड के संदर्भ में 43वां संशोधन अधिनियम 1997 संशोधन। न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 संशोधन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनर्स्थापित कर दिया गया, अर्थात पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई, परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा सेफगार्ड्स के उपाय किए गए। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। 50वां संशोधन अधिनियम 1984 संशोधन। संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 कारणा। दल बदल तथा आया राम और गया राम राजनीति को रोकने के लिए संशोधन।
संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 58वां संशोधन अधिनियम 1987। संशोधन। राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 394। 61वां संशोधन अधिनियम 1989। संशोधन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन अधिनियम 1990। संशोधन। एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। संशोधन। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। 71वां संशोधन अधिनियम 1992। संशोधन। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। संशोधन। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायत नाम से नया भाग IX जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे। 74वां संशोधन अधिनियम 1992। संशोधन। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग IX के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। इसे नगरपालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके तहत 18 विषय रखे गए। 77वां संशोधन अधिनियम 1995। संशोधन। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 80वां संशोधन अधिनियम 2000। संशोधन। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। 81वां संशोधन अधिनियम 2000। संशोधन। इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों, जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती है, के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों वैकेंसीज में आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। 82वां संशोधन अधिनियम 2000। संशोधन। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई। 84वां संशोधन अधिनियम 2001। संशोधन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों, वर्ष 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा गया। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। 85वां संशोधन अधिनियम 2001। संशोधन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। संशोधन। अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया।
अनुच्छेद 21 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 87वां संशोधन अधिनियम 2003। संशोधन राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। 89वां संशोधन अधिनियम 2003। संशोधन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 388, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 388A। 91वां संशोधन अधिनियम 2003। संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निरर्हक होगा। किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। लाभप्रद राजनीतिक पद रिमुनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का अर्थ अभिप्राय निम्नलिखित से है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो। केंद्र अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना स्वामित्व के अधीन किसी निकाय का कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूरक प्रकृति का हो, अनुच्छेद 361(b). 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। 92वां संशोधन अधिनियम 2003। संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। वे है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। 93वां संशोधन अधिनियम 2005। संशोधन राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SCS या STS के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं है, अनुच्छेद -15(5). यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा इनामदार मामले 2005 में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यकों एवं गैर अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिकी संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है। 96वां संशोधन अधिनियम 2011। संशोधन उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल उड़ीसा भाषा को अब उड़िया कहा जाएगा। 97वां संशोधन अधिनियम 2011। संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद -19। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया।
संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग पाठ जोड़ा गया। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 संशोधन। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। 100वां संशोधन अधिनियम 2014 संशोधन। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। भूखंडों का आदान प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित कर इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में चार राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा को संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2017 संशोधन। वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। यह GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। यह एक व्यापक बहुश्रेणीय गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 संशोधन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338 के साथ 388(b) को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और SC और ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। नोट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में निहित है कि राज्य सरकारों के पास SEBC सोशल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की पहचान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 342 के खंड 1 व खंड 2 में संशोधन किया गया तथा खंड 3 जोड़ा गया। इसके अनुसार इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया। यह था हमारा आज का वीडियो।